जय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस सिद्ध विद अभिषेक पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस चैनल पर रीजनिंग के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन को पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर किसी एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो ब्लड रिलेशन को पढ़ाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई भी दो व्यक्ति, दो पर्सन है, उनके बीच क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन से अंतर हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से उनके बीच दो अंतर होते हैं, या तो वो एक पुरुष होगा एक महिला होगी। पहला डिफरेंस ये हो सकता है, दोनों पुरुष हो सकते हैं, दोनों महिलाएं हो सकती हैं। दूसरा अंतर दोस्तों उनके बीच होता है एक जनरेशन गैप का। जनरेशन गैप का मतलब कोई आपसे पहले आया होगा, आपकी जनरेशन से एक जनरेशन पहले का होगा, या आपकी जनरेशन एक जनरेशन बाद का होगा, या आपकी जनरेशन से एक जनरेशन दो जनरेशन पहले का होगा, तो इसको जनरेशन गैप बोलते हैं। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाने के लिए मैं इस चैप्टर को तीन भागों में बांटा है। पहला है पजल टाइप क्वेश्चंस फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप फॉर्म के क्वेश्चन होंगे, थर्ड होगा आपका पॉइंटिंग टाइप रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन होंगे। दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन है उनको पढ़ने के लिए, उन क्वेश्चनों को बहुत ईजी वे में बनाने के लिए आपको एक फैमिली चार्ट या फैमिली ट्री बनाना पड़ेगा, जिसको बनाने के बाद आप किसी भी क्वेश्चन को हवा में कर सकते हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि फैमिली चार्ट कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, आपको बता रहा हूँ उसके बारे में। जो पहले आया है उसको ऊपर रखेंगे, जो बाद में आया है उसको उसके नीचे रखेंगे। जैसे पहले मैं जनरेशन गैप के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि दोस्तों अगर बात की जाए कि पहली जनरेशन में कौन आया होगा, सबसे पहले आते हैं, अगर हम अपने फैमिली की बात करें तो सबसे पहले आएंगे हमारे दादा और दादी, उनके बाद आए होंगे पिता माता। उनके बाद की जनरेशन की बात करें तो उनके बाद की जनरेशन हुई पुत्री, पुत्र और पुत्री। एक तो ये हो गया जनरेशन के हिसाब से। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि मामा चाचा ताई ताऊ ये किस जनरेशन के होंगे, तो ये सभी के सभी पिता या माता की जनरेशन के होंगे। तो मामा या जो चाचा हैं वो पिता की जनरेशन के होंगे। अगर मैं बोलूं चचेरा भाई तेहरा भाई, तो वो सब हमारी पुत्र पुत्री की जनरेशन के होंगे। नाना नानी ये सब दादा और बाबा की जनरेशन के होंगे। क्लियर? इसी तरह से इसमें, इस चैप्टर में दूसरी चीज है, एक अगर मैं जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो इसमें जो पुरुष होगा, जो पुरुष माना जाएगा, उसके लिए मैं एक त्रिभुज में बंद करूंगा, और जो महिला होगा, महिला के लिए एक सर्किल में डोनेट करेंगे, सर्किल के अंदर उसको प्रदर्शित करेंगे। ऐसा करने के बाद जब मैं फैमिली चार्ट बनाऊंगा तो हर किसी क्वेश्चन को हम बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को लिखता हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि ए ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। इस क्वेश्चन में जो पहले आएगा उसको ऊपर रखेंगे। तो ए बी का पिता है, यानी पिता कौन है, ए किसका, बी का। तो अगर मैं इसको फैमिली चार्ट बनाऊंगा तो इसमें ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। दूसरी चीज, अगर बात करें जेंडर की, तो ए जो है वो पिता है, तो ए पिता है, तो इसको किसमें बंद कर देंगे, एक त्रिभुज में बंद कर देंगे। तो इसको अगर पढ़ा जाएगा तो ए बी का पिता है, यानी अब इसका जेंडर भी क्लियर हो गया, और जब उसका जेंडर क्लियर हो गया है, मेल है, तो मेल को हम किसमें प्रदर्शित करेंगे, एक त्रिभुज के अंदर बंद करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन बनाऊं, मैं पहले आपको क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे उनको एक फैमिली ट्री बनाना सिखा रहा हूं, उसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है कि ए बी की माता है, इसको किस तरह से आप प्रदर्शित करोगे, ए बी की माता है। जब इसका फैमिली चार्ट बनाओगे तो जो ए है वो माता है, तो माता यानी फीमेल हो गई, किसकी है, बी की, तो उसके नीचे बी हो जाएगा, यानी माता की जनरेशन हमारी जनरेशन से पहले आई होगी, तो वो उसको ऊपर दिखाएंगे। इसी तरह से मैं बात करूं ए बी का पुत्र है, ए
ए जो है वो बी का पुत्र है, तो ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है। अगर मैं इसका फैमिली चार्ट बनाऊंगा तो जो ए है वो बी का पुत्र है, यानी ए को ऊपर रखेंगे, और ए सॉरी इसमें उल्टा हो गया, ए जो है वो बी का पुत्र है, तो बी पुत्र किसका है, बी का, कौन, ए। तो ए पुत्र है तो इसका जेंडर क्या हो गया, मेल हो गया, तो इसको ट्रायंगल में बंद करेंगे। अभी हमें बी के जेंडर के बारे में क्लियर पता नहीं है, तो हम इसको नहीं बता सकते कौन मेल होगा या फीमेल होगा, इसलिए ए को हमने एक त्रिभुज में बंद कर दिया। इसी तरह से मैं लिखूं ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, तो भाई हैं यानी एक ही जनरेशन के रहे होंगे, तो ए हो गया और बी हो गया, है कौन, दोनों भाई, तो दोनों भाई को दर्शाने के लिए हम किस में बंद कर देंगे, एक त्रिभुज में बंद कर देंगे। इसी तरह से अगर मैं लास्ट में और लिखूं कि ए ए जो है, ए बी का भाई है, बी का भाई है, और बी ए की बहन है, बी ए की बहन है। तो इसमें पहली बात तो उनको देखा जाए तो वो दोनों एक ही जनरेशन के हैं, तो दोनों एक साथ आगे पीछे एक साथ लिखे रहेंगे, ए और बी। अब इसमें देखना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो क्वेश्चन कह रहा है ए बी का भाई है, यानी ए वाला मेल हो गया भाई है, तो दूसरा बी ए की बहन है, यानी ए वाला बहन हो गई, तो ए फीमेल जेंडर हो गया। तो इस तरह से ए बी का भाई हो गया, बी ए की बहन हो गई। इसी तरह से इसको अगर आगे पढ़ें और क्वेश्चन में एक दो आपको बताऊं, अगर आपको रिलेशन दिखाना हो कि ए बी का पति है, ए बी का पति है, तो ए और ए बी का पति तो दोनों एक ही जनरेशन के रहे होंगे, तो ए पति है तो इसको किसमें बंद कर देंगे, त्रिभुज में, बी का, तो बी पति है तो उस लेडीज रही होगी, लेडीज होगी तो उसको एक सर्कल में बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज और सीखनी है, जब कभी दो व्यक्ति, दो मेल फीमेल पत्नी के रिलेशनशिप में होंगे, तो उनको दिखाने के लिए, पत्नी को शो करने के लिए उनके बीच हम एक प्लस साइन और ले लिया करेंगे, बकाया किसी क्वेश्चन में प्लस नहीं लेना है, जहां भी पत्नी होगी उस केस में हमको इसमें प्लस मान लेना है, ठीक है। इसी तरह से मैं आगे बोलता हूं कि ए बी का चाचा है, ए जो है वो बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, तो इसमें देखो कौन चाचा है, ए किसका चाचा है, बी का, तो चाचा मतलब एक जनरेशन पहले के होंगे, तो बी का चाचा, तो बी नीचे और ए ऊपर। लेकिन देखो इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में क्या करना है कि चाचा कौन होते हैं, चाचा होते हैं पापा के भाई, तो पहले हम एक इसके ऊपर एक केवल त्रिभुज बनाएंगे, वो किसको शो करेगा, वो पापा को शो करेगा, तो ये पापा हो गए। अब पापा चाचा होते हैं पापा के भाई, तो पापा के भाई चाहे साइड आप ले लो चाहे साइड ले लो, तो ए हो गया ए। अब अगर इसको पढ़ना पड़ेगा तो हम किस तरह से पढ़ेंगे कि जो ए है वो बी का चाचा है, कैसे, तो बी से ऊपर एक खाली जगह, यानी इसके पापा हो गए, और पापा के भाई वो कौन होंगे, बी के चाचा होंगे। इसी तरह से अगर मैं इसमें आगे क्वेश्चन बोलूं कि ए बी का मामा है, लिखते चलिए, ए बी का मामा है, ए बी का मामा है, मामा कौन होते हैं, मामा होते हैं मम्मी के भाई, तो ए मामा है बी का, तो बी को नीचे ले लो, इनके ऊपर मम्मी, तो मम्मी को बनाने के लिए से मम्मी फैमिली फीमेल होती है, तो उसको ऐसे सर्कल में बना देंगे, और इनके भाई, तो इनके भाई ए हो गए, तो ए भाई है, तो इस तरह से, तो इसको पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो ए है वो बी का कौन हो गया, मामा हो गया। इसी तरह से दोस्तों अगर बनाना पड़े मेरे को, ए ए का ए जो है वो बी का नाना है, बी का नाना है, ए बी का नाना है, तो पहले सबसे पहले बी बनाओ, कि वो सबसे नीचे रहा होगा, नाना कौन होते, नाना होते मम्मी के
पापा, तो इससे ऊपर मामी, मम्मी मतलब फीमेल, तो उनको सर्किल में दिखाओ। अब इनके पापा तो वो इनसे भी एक ऊपर जनरेशन के रहे होंगे, तो उनको इस तरह से दिखाया जाएगा। अब एक क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, तो जो ए है वो बी का कौन है, नाना है, यानी ए बी की मम्मी के पापा हैं। इस तरह से वो हमारे कौन हो गए, बी के, ए बी के कौन हो गए, नाना हो गए। इसी तरह से मैं पूछूं आपसे कि ए बी का फूफा है, अगर कहीं बनाना पड़ जाए क्वेश्चन में, ए बी का फूफा है, लिखता हूं मैं, ए बी का फूफा है। अब फूफा कौन होते हैं, फूफा होते हैं ए के, यानी जो भी है, यानी फूफा अगर हम अपने रिलेशन में लगाएं तो हमारे पापा की बहन के पति। तो इसमें जो बी है, तो बी के फूफा यानी बी इसके होंगे कौन, पहले पापा वो इसके ऊपर रहे होंगे, फिर उनकी बहन, बहन मतलब फीमेल वो इधर रही होगी, फिर उनका पति, तो पति को मेल होगा, मेल को दिखाएंगे इस तरह से, और पत्नी के रिलेशन को दिखाने के लिए बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस, यानी बी के पापा की बहन के पति कौन होंगे, बी के फूफा होंगे। इसी तरह से अगर एक क्वेश्चन बनाया जाए कि ए बी का मौसा है, ए बी का मौसा है, ए बी का मौसा है, तो अगर इसको दिखाना पड़े तो जो ए है वो बी का मौसा है। अब मौसा कौन होता है, मौसा होता है मौसी के पति, और मौसी कौन होंगे, मौसी बनाने के लिए मौसी मम्मी की बहन, तो सबसे पहले तो बी नीचे रहेगा क्योंकि बाद पहले बाद में आया है, इसकी मम्मी और मम्मी की मम्मी, मम्मी की बहन तो ए हो गई, और इनके पति, तो इनके पति दिखाने के लिए ए बीच में प्लस का निशान, तो इसको पढ़ेंगे कि जो ए है वो बी का कौन है, मौसा है। तो चलिए दोस्तों, ये तो फैमिली ट्री हो गया, इस तरह से हम फैमिली ट्री या फैमिली चार्ट बनाएंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, जो क्वेश्चन में आपको इसकी हेल्प लेके देखना है कितनी जल्दी क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है कि ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है, डी सी का भाई है, तो ये बताइए कि डी का ए से क्या संबंध है, क्या संबंध है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, तो ए जो है वो बी की पुत्री है, तो इस केस में जो ए होगा वो नीचे रहेगा, किसकी पुत्री है, बी की, तो बी ऊपर रहेगा। अब पुत्री कौन है, ए, तो ए होगी फीमेल, इसका हमें जेंडर क्लियर हो गया, तो इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे। अब आगे कह रहा है बी सी की माँ है, बी जो है वो माँ है किसकी, सी की, और पहले क्वेश्चन कह रहा है जो ए है वो बी की पुत्री है, तो जो सी होगा वो यानी ए का बहन या भाई में से कोई होगा, और जो बी है वो माँ है, तो माँ को इसमें दिखा देंगे, ए माँ हो गई, क्लियर। देखो कह रहा है ए बी की पुत्री है, ए बी की पुत्री है, तो जो ए है वो बी से नीचे आएगी क्योंकि जनरेशन बाद की हो गई, पुत्री है तो हमने सर्किल में बंद कर दिया। आगे कह रहा है बी सी की माँ है, बी सी की माँ है, तो जो सी होगा वो एक बी की, ए की जनरेशन का रहा होगा, तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा, कहीं भी मान सकते हो, लेकिन इसका भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन हमें बी के बारे में पता चलेगा वो माँ है मतलब फीमेल है। आगे कह रहा है डी सी का भाई है, तो जो डी है वो सी का भाई, तो भाई ये सब एक ही जनरेशन में होते हैं, डी हो गया, और है कौन, भाई है, तो भाई दिखा दिया। अब पूछ रहा है डी का ए से क्या संबंध है, तो जो डी है, डी का यानी इस वाले का, इसके साथ क्या संबंध है, तो डी इसके, इसका कौन हुआ, भाई हुआ, भाई हुआ। अगर यही क्वेश्चन घुमा के ऐसे देता है, ए का डी से क्या संबंध है, तो जो ए का डी से क्या संबंध है, बहन का संबंध है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। इसी तरह से मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं, पी इसको हटाता हूं। दोस्तों अगर आप फैमिली चार्ट बनाना सीख गए होंगे तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत इजी वे में बहुत जल्दी कर सकते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है पी क्यू का भाई है, पी
पी क्यू का भाई है, आर क्यू की माँ है, आर क्यू की माँ है, एस आर का पिता है, एस आर का पिता है, टी एस की माँ है, टी एस की माँ है। तो ये बताइए, आपको बताना है कि जो पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है। देखिए मेरे फ्रेंड दोस्त, कह रहा है कि जो पी है वो क्यू का भाई है, तो दो पी के उसका भाई है तो दोनों एक ही जनरेशन के रहे होंगे, तो एक क्यू हो गया, एक पी हो गया। अब भाई कौन है, पी क्यू का भाई, यानी इसका लिंक क्लियर हो गया, बट अभी इसके बारे में नहीं पता है। आगे क्या कह रहा है, आर क्यू की माँ है, माँ को ऊपर पापा को भी ऊपर बनाते हैं, तो जो आर है वो क्यू की माँ है, तो ये फीमेल हो गया। आगे कह रहा है एस आर का पिता है, एस है वो आर का पिता है, तो वो आर से भी पहले आया होगा, यानी एस आर का पिता हो गया। आगे क्या कह रहा है, टी एस की माँ है, तो टी एस से भी ऊपर आया होगा, ये रहा, और है माँ तो फीमेल हो गया। अब ये बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, इस पी का टी से यानी इस वाले से इसका क्या संबंध है। देखो इसका भाई है, ठीक है, या भाई बहन जो भी है इसके लिए, तो इसका भाई हो गया। अब भाई से ऊपर उसकी माँ, माँ हो गई, माँ से ऊपर उसके पिता, इसके नाना हो गए। अब नाना के ऊपर जो माँ है, तो वो नाना की माँ यानी हमारी कौन हो गई, परनानी, यानी उनको हम, उनके लिए हम कौन हो गए, पर पौत्र, पर पौता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, पर पौता। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे शुरू करता हूँ, इसके आगे के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, और इस तरह से जो एक पजल फॉर्म था, पजल फॉर्म के क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। सबसे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपको इस चैप्टर को सीखने से पहले आपको फैमिली चार्ट बनाना आना चाहिए। फैमिली चार्ट को बनाने के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे आप फैमिली चार्ट बनाना सीख जाएंगे, इसके बाद जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत इजी वे में करना सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक सब्सक्राइब माई वीडियो।